हरियाणा के जिले करनाल में खिलाड़ियों के समर्थन में कांग्रेस द्वारा जिला सचिवालय के बाहर धरना दिया गया। इस धरने में दंगल गर्ल गीता फोगाट के पति पवन सरोहा भी पहुंचे। यहां पर उन्होंने काली पट्टी माथे पर बांधकर पहलवानों के समर्थन में ब्लैक डे मनाया और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं उन्होंने कल करनाल में खली द्वारा दिए गए बयान पर भी निशाना साधा, जिस पर खली ने कहा था कि वहां पर राजनीति हो रही है। उस पर पलटवार करते हुए सरोहा ने कहा कि खली इतने बड़े खिलाड़ी हैं, ये दुर्भाग्य की बात है कि वो ऐसी बात कर रहे हैं, बल्कि उन्हें तो खिलाड़ियों के समर्थन में आकर बात करनी चाहिए, क्योंकि पूरा देश खिलाड़ियों के साथ है। पहलवानों के धरने पर कोई राजनीति नहीं हो रही, ये सभी देश के पहलवान हैं और इन खिलाड़ियों के समर्थन में देश के लोग उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बस एक ही मांग है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें पद से हटाया जाए। धरने के बाद कांग्रेस नेताओं ने जिला सचिवालय तक प्रदर्शन किया और जिला शिक्षा अधिकारी को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस के द्वारा सरकार व ब्रिजभूषण के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। नहीं नहीं, पूरा खिलाड़ी साथ में है, जितने भी हैं, लेकिन हमने खुद मना कर रखा भाई, पहले जो जूनियर खिलाड़ी उनके कंपटीशन है वो अपने कंपटीशन पे ध्यान दें, क्योंकि हमारा तो कि हमें तो ये लड़ाई जीतनी है। और जो जितने सीनियर खिलाड़ी वहाँ पे बैठे हैं, बजरंग है, दिनेश है, साक्षी है, सारे सीनियर खिलाड़ी वहीं बैठे हैं, तो उन्होंने खुद मना कर रखा, नहीं तो उनकी एक आवाज़ पे पूरा का पूरा हिंदुस्तान का सारा खिलाड़ी जाके बैठ जाएगा वहाँ। खेल नीति को लेकर भी कुछ रोष है आप लोगों में? देखिए, खेल नीति यही, पहले तो हमारी यही लड़ाई है कि जिसके खिलाफ हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आरोपी है उसको सजा दिलवाना, यही है हमारा। खलीज आए थे कल करनाल, उन्होंने भी कहा कि राजनीति हो रही है वहां पर, अखाड़े में होना चाहिए, मेडल अखाड़े से आएंगे ना कि जंतर मंतर से। देखिए, मैं तो ये दुर्भाग्य कहूँगा कि खलीज जैसा बड़ा खिलाड़ी वो ऐसी बात बोल रहा है, क्योंकि पूरा देश आज हमारे पहलवानों के साथ है, हमारी महिला पहलवानों के साथ है, जिनके साथ शोषण हो रहा है, और उनको तो साथ में आके आवाज उठानी चाहिए। देश में ब्लैक डे मना रहे हैं पहलवानों के, जो हमारी महिला पहलवानों के साथ शोषण हो रहा है, और यही अपील है पूरे देश से कि पूरा देश सहयोग करे और आज ब्लैक डे मनाए कि हमारी आवाज सरकार तक पहुंच जाए। हाँ जी, हाँ जी, कौन कौन शामिल हो रहे हैं? देखो, जो हमारे तो पूरे देश से अपील है, ये नहीं कि किसी एक आदमी से नहीं है, कि पूरा देश समर्थन करे। सरेआम में पुलिस वहाँ पे जाने भी नहीं दे रही, रोक रही है। करनाल से यहाँ परसों मतलब 500 से ज्यादा आदमी गए हैं वहाँ पे बसों में, मतलब इतने परेशान हो रहे हैं, लोगों को वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहे। हाँ जी, गिरफ्तार भी किया था। हाँ जी, गिरफ्तार? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्यों, कारण क्या, कारण क्या था? कोई कारण नहीं बताया उन्होंने कि बस आप लोगों को वहाँ पे नहीं जाने देंगे, आपके बहन भाइयों से मिलने नहीं देंगे। क्यों? आपने तो पुलिस से रिक्वेस्ट की थी कि हमें घर छोड़ के आओ। रिक्वेस्ट की थी, लेकिन वो बोले कि आपको हम 6 बजे से पहले घर नहीं जाने देंगे, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है। देखिए, हमने स्टार्टिंग दिन से बोला कि जब तक आरोपी को सजा नहीं मिलेगी तब तक हम धरना कंटिन्यू रखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज करवा दी है, आगे अब आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? कुछ रणनीति तो अभी यही है कि जब तक मैंने बता दिया आपको कि जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक हम धरना खत्म नहीं करेंगे। किसान बहुत गलती करती है, चाहे किसान पर लठ मांगने का काम करती है, पुलवामा में जितने हमारे पर जवानों को शहादत हुई है, किसान को पिटा है, जवान को पिटा है, इस प्रकार की जो BJP की जो नीति है, जो मोदी जी है, ये 40 साल कहता है कि मैंने कुछ टन चाय बेची, उसके बाद मैंने भीख मांगी, तो 40 साल तो भीख मांगने में निकल गए, तो बचा क्या? जो अनपढ़ आदमी इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मनोहर लाल जी खट्टर हरियाणा की बेटी कहता है, जब हरियाणा की वो जो बेटी है तो मनोहर लाल खट्टर चुप क्यों हैं? जब वो खुले कहता है ब्रिजभूषण इतने हरियाणा के लोग हैं, हम हरियाणा के लोग नहीं हैं, विशेष जाति की बात करता है, विशेष जाति का तो प्रधानमंत्री भी है देश का, राष्ट्र मुख्यमंत्री भी है, पुलिस में SP भी है, DIG भी है, सिपाही भी है, जाति नहीं होती पहलवान की, और पुलिस की भी और मुलाजिम की कोई जाति नहीं, पत्रकार की भी जाति। अगर BJP जब राज में आती है तो दंगे भी होते हैं और जाति भी होती है। हम एक बात कहेंगे, वो 90 बात करता है कि मुझे 90 गालियां दी, अरे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, जिनके 3-3 हमारे प्रधान इस देश में शहीद हो गए, जो हजारों गालियां देता है सारा दिन, और वो रोता है, माँ बच्चों को कहते हैं कि रोता है तो एक बार तो दूध पिलाती है, अगर माँ बार बार दूध मांगता है तो माँ बच्चे की पिटाई करती है, रिकॉर्ड की बात है, मैंने इस बात का आपको ध्यान। क्या किया गया आज? हमने पहलवानों के हक में ये फैसला किया है कि हम
प्रदर्शन करेंगे एक बार। गौतम को हमेशा सपोर्ट करने वाली उसकी माँ नेहा रानी अपने बेटे की उपलब्धि से काफी खुश है। नेहा को तो यह भरोसा था कि उसका बेटा एक दिन सफलता के आयाम स्थापित करेगा। गौतम की एक बहन और एक बड़ा भाई भी है जो उसके इसके मिशन में हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। किसी का चबा दूंगा, अकेला करूंगा, मधुबन करूंगा तो पानीपत कर दूंगा, पानीपत जाऊंगा तो भाई जमुना नगर कर दूंगा। 21 तारीख के बाद ऐसा इतिहास में काम करूंगा जो गुरु गोविंद सिंह ने, उधम सिंह और भगत सिंह ने किया। शरीफ तो जरूर हूँ मगर प्रजातंत्र में ताकत बहुत है मेरे अंदर, बर्दाश्त से हद ज्यादा बार होगी। बार 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 अब ये कहते हैं, चलो एक बात मैं कह देता हूँ, पत्रकार के साथ भी और भाई तहसीलदार भी महिला थी। हम ये चाहते हैं इन दोनों को बिठाकर, कोई डीसी को मुर्दाबाद कहे गलत बात, एसपी को मुर्दाबाद कहे गलत बात, ये नहीं है। इसको ना नौकर कहना चाहिए, ये मुलाजिम है। सरकार किसकी? खट्टर की। इसमें खट्टर दोषी है ना डीसी दोषी है ना एसपी दोषी। अगर बात है, अगर हमारे पत्रकार अगर अंदर चला गया कोई बात नहीं, हम तहसीलदार से भी रिक्वेस्ट करेंगे। अगर हम तो लगे तहसीलदार को मेरी बड़ी इज्जत गई है, हम उससे भी माफी मांगेंगे। हम चाहते किसी का बच्चा भी अंदर ना रहे ऐसी धाराओं में। ये मैटर दोनों के दिल का लग गया, एक के कोई कमरे में होगी बात, कहीं चूक होगी या गलत हो गया, जो भी हो गया, हम चाहेंगे तहसीलदार साहब से भी बैठकर इस मैटर को मुख्यमंत्री जी इस मुकदमे को रिजेक्ट कराए। आज ज्ञापन किस लिए दिया जा रहा है? पहलवानों के लिए विज्ञापन है भाई। क्या मामला है? विज्ञापन ही ज्ञापन। हाँ, पहलवानों के लिए है। गौतम ने संघर्ष कर मेहनत कर अपने रास्ते और अपनी मंजिल को खुद चुना और अब उन मंजिल की बुलंदियों को छूने उसके जीवन का लक्ष्य है। एक धारा लगी है ना, लेट रहे ना मानस अंदर। दो कानून कैसे इस देश में? ये तीन देश है इस देश में, दो कहते हैं इंदौर बात करना, इंडिया भारत और हिंदुस्तान। हम लोग भारत में, हिंदुस्तान में शहर में अमीर लोग हो गए। अभी भारत में तो वो लोग हैं, इसमें इंडिया में तो जो काला कानून लिखते हैं मिनट एक मंदिर कर देते हैं, ना पूछते किसी को क्या है क्या नहीं है। तो भाई महाराज जो समर्थन है वो पहलवानों के लिए आज, और भाई 21 तारीख तक ऐलान है। 21 तारीख के बाद हम भी एक बड़ा काम करेंगे, बड़ा इतिहास में। क्या करेंगे? हमारे जो पूजनीय जो हमारी वंशज हैं वो मजयापाल मान को याद रखेंगे। जैसे कहते ना कि मुझे कुछ जाम करना, आज तक मैंने 40 साल में कभी नहीं कहा मैं जी रोड जाम करूंगा। धर्म करने की उम्मीद है ना, मैं ऐसा काम करूंगा जो मेरे विशेष जाति के लोग और देश के लोग हैं वो कहेंगे अभी कमाल कर दिया भाई, उधम सिंह और भगत सिंह काम कर दिया। कहने का मतलब मेरा ये है, हम लोगों से अपील करेंगे, लोगों बस सड़कों पर जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, रोड जाम नहीं करेंगे। प्रशासन को इतनी भारी संख्या में लोगों की सहमत करेंगे, ऐसा काम करेंगे कि हम इनसे क्या लड़ने की जरूरत है। 250 आदमी ने हमने गिरफ्तारी दी है भाई पुलिस में, ठीक है 250 रिकॉर्ड है हिंदुस्तान में, चाहे इसमें भूपेंद्र कहते हो वहाँ हमने समोसे भी मिले भाई पुलिस दिए चाय भी दी, क्योंकि हमने सभ्य तरीके से गिरफ्तारी दी। जय हिंद। सर, मुख्यमंत्री का एक बयान पहलवानों को लेकर सामने आया है, उन्होंने कहा है कि कानूनी कार्यवाही जारी है और पहलवानों से अपील की है कि धरने को खत्म कर दे। जिन्होंने ब्रज भूषण जो कि रेसलिंग चैंपियन का जो एसोसिएशन के जो प्रधान, उनके ऊपर हमारी बेटियों ने, जिन्होंने हमारा नाम देश का रोशन किया, जिन्होंने हिंदुस्तान का झंडा ऊंचा किया, उन्होंने ब्रजभूषण के ऊपर जो इल्जाम लगाए और उसके बावजूद वो कब से जंतर मंतर दिल्ली पे धरने पर बैठे हैं, और किसी भी सरकार ने जो हमारे हैं किसी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। फिर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट जब बीच में आई, उन्होंने ब्रजभूषण के जो कहा कि दिल्ली सरकार पुलिस को की एफआईआर की जाए, तो एफआईआर हुई, किंतु एफआईआर हुए कितने दिन हो गए, उसमें पॉस्को का भी है, तो माइनर लड़की ने एक सेक्सुअल असॉल्ट का जो उसने कहा है कि जी मेरे साथ हुआ, पॉस्को में तो इमीडिएट एफआईआर और अरेस्ट होती है, किंतु आज तक सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के जो एफआईआर हुई, आज तक ब्रजभूषण को दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया। बहुत ही दुख की बात है हमारे लिए, बहुत ही शर्म की बात है, और हमारी जो ये बेटियां हैं, ये ज्यादातर हमारी सारी बेटियां हरियाणा से हैं, इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम तो रोशन किया, किंतु हमारे प्रदेश
हरियाणा का नाम भी रोशन किया। और आज हमें इस बात का दुख है कि लोग ये बोलते हैं, जो भाजपा के लोग हैं, जो सरकार है, वो इसको राजनीतिक रंग दे रही है। बोलते जी ये सब राजनीतिक है, इसको ये तो दीपेंद्र हुड्डा जी करा रहे हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी करा रहे हैं। अगर हमारे प्रदेश की बेटियां उनके साथ नजायज हो तो हम उनके साथ क्यों खड़े नहीं होंगे? और हमारा तो काम है ऑपोजिशन का कि अगर किसी के साथ नजायज हो, किसी के साथ गलत हो, हम उसके साथ खड़े हुए। तो आज हम सब उनके साथ है यहाँ पर, और आगे भी अगर उनको जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम इसी प्रकार से धरना, प्रदर्शन, कैंडल मार्च, हम कुछ ना कुछ खाली नहीं होगा। ये तो शर्म की बात है भाइयों, ताली बजाने की इसमें कोई बात ही नहीं है। हमें दुख है, आज तो हम यह दुख मना रहे हैं, कोई हम इसीलिए आज कोई ऐसी बात करने का मौका नहीं है। ये जो सरकार है, ये पहले किसान इतनी देर बैठे रहे सड़कों पर, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमारे जो सरपंच हैं उनको डंडों से मारा, फिर हमारे अब देखो जो खिलाड़ी हैं वो बैठे हैं,